today we are going to learn the topic signal flow graph. Okay, so let us see the question based on the signal flow graph. Here is the diagram. R of s, that is the input of the system, C of s, that is the output of the system, and in this diagram we get a number of a element, that is G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 and G8. Okay, and there are two feedback signals, that is minus H1 and minus H2. In this case, we have to find out the transfer function having formula output by input, that is C of s upon R of s. Okay, so for finding this ratio, we have to reduce all these diagram signal flow graph into the reduction technique. Okay, so there are some steps. In the previous lecture, I discussed with you the steps of the signal flow graph. So the first step is to find out the forward path. Okay, so forward path is denoted by P. So in this diagram, we have a total 6 forward path: P1, P2, P3, P4, P5, and P6. Okay, so when we start the steps, we must put first the normies here. Okay, so we can consider A, B, C, D, or we can consider 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I put the joints name, that this is A joint, B, C, D, E, F, G and H. Okay, so which is suitable for solving the forward path. So the first forward path, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो दिस वन इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, इनपुट से आउटपुट तक जाने वाले रास्ते कितने हैं. ठीक है, तो ये हमारा पहला रास्ता है जो सेम डायरेक्शन से आपको मिल रहा है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी ई एच. ए बी सी डी ई एच, ओके. सो दिस इज फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. तो इस फॉरवर्ड पाथ में जितने एलिमेंट या फिर फीडबैक सिग्नल आएंगे उसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. सो ये फॉरवर्ड पाथ में आपको कौन कौन मिल रहा है, ये वाले G1, G2, G3 एंड G3, थ्री है. ठीक है, G1, G2 एंड G3. देन नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपको नीचे वाला मिल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम A टू B, B टू F, F टू G, G टू E एंड E टू H. ओके, तो ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ है जिसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं. अगर हम A से स्टार्ट करते हैं तो G4, G5 एंड G6. G4, G5 एंड G6. ठीक है, तीसरा फॉरवर्ड पाथ कहाँ पे मिलता है देखते हैं. तो अगर हम लोगों ने A से स्टार्ट किया, A टू B, B टू C, और C से हम लोग G तक आ सकते हैं, G से F के पास जा सकते हैं, एंड F टू D, D टू E एंड E टू H. अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो क्रॉस है तो ये टचिंग पॉइंट होगा, तो ये टचिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग दिया हुआ है. तो ओवरलैपिंग दिया हुआ है तो दिस इज अ सेपरेट पाथ, सो वी कंसिडर दिस एज अ सेपरेट पाथ. तो हमारा थर्ड पाथ है A टू B, B टू C, C टू G, C टू G. ये जो मैंने आपको बताया A टू B, B टू C, C टू G, G टू F, F टू D, D टू E एंड E टू H. ओके, देर इज अ सेम डायरेक्शन पाथ, सो हैविंग वैल्यूज आर G1, G7 एंड G6. नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज सिमिलरली फ्रॉम अपर सेक्शन A टू B, B टू C, C टू D, D टू F, F टू G, G टू E एंड E टू H. ओके, सो हैविंग वैल्यूज आर G4, G8 एंड G3. देन नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ P5, दैट इज A टू B, B टू C, A टू B, B टू F, A टू B, B टू F, F टू D, F टू D, D टू E एंड E टू H. ओके, A टू B, B टू F, F टू D, D टू E एंड दिस एंड, मतलब दिस सेक्शन ये. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ है. उसका आंसर है जो भी एलिमेंट उसमें आएंगे तो वो है माइनस G1. अभी माइनस क्यों आया, क्योंकि आप पे फीडबैक सिग्नल आ रहा है H2, इसलिए आपका ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा माइनस G1, G7, H2, G8 एंड G3. ओके, देन लास्ट फॉरवर्ड पाथ है हमारा P6, दैट इज A B F D C G E H. A B, उसके बाद F, F के बाद D, D के बाद C, इधर से आया C टू G, G टू F, और ये इस तरीके से गया है. ठीक है, सो दैट आंसर विल बी माइनस G4, G8, H1, G7 एंड G6. ओके, सो वी हैव अ टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ, एक सीधा वाला ऊपर का, एक दूसरा नीचे वाला, एक तीसरा जो जिगजैग पैटर्न में गया है इस तरीके से, सिमिलरली चौथा इस तरीके से गया है, और पांचवा तक ये आपका एक सेक्शन करके गया है, और छठवा जो है वो भी आपका फीडबैक सिग्नल लेके गया है. ठीक है, तो चार है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला,
दूसरा ये क्रॉस सेक्शन वाला, तीसरा वाला, चौथा भी क्रॉस सेक्शन वाला, और पांचवा और छठवा जो है वो लूप को लेके गया है। ठीक है, ऐसे छह फॉरवर्ड पाथ है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होती है इंडिविजुअल लूप डिनोटेड बाय एल। इंडिविजुअल लूप मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे अगर आप वापस आ रहे होंगे तो विच विल बी अ इंडिविजुअल लूप। तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल लूप, तीन इंडिविजुअल लूप दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला एक लूप, ये नीचे वाला दूसरा लूप, और तीसरा वाला जो एट सेक्शन में दिया है वो। ठीक है, सो दिस वन इज फर्स्ट लूप विच इज स्टार्ट फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू सी, मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहा है, सेम पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो इसका आंसर होगा माइनस एच वन जी टू। ठीक है, सिमिलरली सेकंड फॉरवर्ड पाथ है ये नीचे वाला एफ टू जी एंड जी टू एफ, तो इसमें कौन आंसर आ रहा है, जी फाइव माइनस एच टू, सो विच इज माइनस जी फाइव एच टू। और तीसरा आपका आ रहा है यहाँ पे विच इज स्टार्ट फ्रॉम ये वाला जो एट सेक्शन है, ठीक है, सी टू जी, जी टू एफ, एफ टू डी एंड डी टू सी, ये वाला जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है, तो ये इसमें आपको कॉमन नोड नहीं मिलना चाहिए लूप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉमन नोड नहीं मिल रहा है, तो दिस विल बी अ थर्ड लूप हैविंग आंसर्स जी सेवन, एच टू, एच वन और जी एट। ठीक है, तीसरी स्टेप इसमें होती है टू नॉन टचिंग लूप, मतलब आपके पूरे डायग्राम में ऐसे कोई दो लूप है क्या जिसके जिसमें कॉमन नोड नहीं है। तो अगर आपने देखा ये एल वन है, ये एल टू है और एल थ्री है, इसमें दोनों तीनों लूप में कौन कॉमन नहीं है, तो तीनों लूप में अगर आप देखोगे तो एल वन और एल टू ये एक दूसरे से एकदम अपार्ट है, लेकिन एल थ्री जो है वो इसके और इसके साथ कॉमन में है, तो ये नॉन टचिंग लूप में नहीं आ सकता। तो नॉन टचिंग लूप में दो ही आ सकते हैं, एक एल वन और दूसरा एल टू, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एल वन एंड एल टू हैविंग आंसर इज जी टू, जी फाइव, एच वन और एच टू। नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा। डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडी, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितने लूप आपके डायग्राम में होंगे उन सभी लूप की एडिशन, प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, जितने टू नॉन टचिंग लूप होंगे उनकी एडिशन, माइनस सम ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। हमारे डायग्राम में थ्री नॉन टचिंग लूप नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिया है। फिर आप क्या करोगे, जो L1, L2, L3 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट की है, L1, L2, टू नॉन टचिंग लूप की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ये माइनस साइन को आप पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडी। हमको फाइंड करना है फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन हैविंग फार्मूला इज समीशन ऑफ पी डेल डिवाइड बाय टोटल डेल। तो टोटल डेल हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ से बाय यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। तो जितने फॉरवर्ड पाथ होंगे उतने ही नंबर ऑफ डेल होंगे, तो हमारे पास छः फॉरवर्ड पाथ है, तो दैट ट्रांसफर फंक्शन फार्मूला इज पी वन डेल वन, पी टू डेल टू, पी थ्री डेल थ्री, पी फोर डेल फोर, पी फाइव डेल फाइव, पी सिक्स डेल सिक्स डिवाइड बाई डेल। डेल वन डेल टू डेल थ्री इसके फॉर्मूले सेम, यही फॉर्मूले के जैसे रहेगा डेल्टा के जैसे, लेकिन अगर आप डेल वन फाइंड कर रहे हो तो इसमें सिर्फ पहले फॉरवर्ड पाथ में जो लूप नहीं आएंगे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो डेल वन जो है हमारा ये पहला फॉरवर्ड पाथ के लिए किया जाएगा, तो हमारे पहले फॉरवर्ड पाथ में कौन सा लूप टच में नहीं है, एल टू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है वन माइनस एल टू, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे पुट किया है डेल टू। डेल टू मतलब किसके लिए, सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कौन सा लूप टच नहीं है, ये वाला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप अगर सेकंड फॉरवर्ड पाथ में आप देखोगे तो इसमें कौन है, एल टू, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा डेल टू का वन माइनस एल वन, क्योंकि इसको एल वन टच नहीं है, तो डेल टू का फॉर्मूला बनेगा वन माइनस एल वन, इसमें आप आंसर पुट करोगे और सॉल्व करोगे। डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री मतलब आपका ये थर्ड वाला फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो ये थर्ड फॉरवर्ड पाथ में, फोर्थ फॉरवर्ड पाथ में, फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ में और सिक्स वाले फॉरवर्ड पाथ में, ये जो बचे वाले चार फॉरवर्ड पाथ है इसमें सभी लूप टच में है, तो इस सभी का आंसर आपका आएगा वन, क्योंकि इसमें ये जो भी है सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, सभी क्या रहेंगे, जीरो। सो यूर डेल थ्री, डेल फोर, डेल फाइव एंड डेल सिक्स कितना रहेगा, वन। ओके, सो देन पुट ट्रांसफर फंक्शन वैल्यूज हियर एंड फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सिग्नल फ्लो।